द्वारा आयोजित इस तीसरे राष्ट्रीय कला समागम में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शैल शिखरियां स्वागत करती लहरें गाती ताल में, संस्कृतियों का इंद्रधनुष उतरा इस पाल में। संस्कृतियों का इंद्रधनुष नए साल की आमद के साथ, नए साल की शुरुआत के साथ भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश की सरजमी पर उतरा है। हम सब भोपाल शैल शिखरों की सुरम्य ताल तलियों की इस नगरी के श्यामला पहाड़ी के इस सुरम्य परिसर में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, आप सब जानते हैं कि भारत बहुलता में एकता का राज्य है, एक ऐसा देश जिसके पास शताब्दियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, जिसके पास सभ्यता के आंगन में हजारों बरस पहले कला के मुख्तलिक रंग बिखरे और इन्हीं रंगों को थाम कर हमारे भारत का एक चेहरा बनता, एक तस्वीर बनती है। एक ऐसा गणतांत्रिक राज्य और ऐसा देश जो हमारे सामने ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है जिसके साथ जुड़कर हम दरअसल मनुष्यता की जुबान बोलते हैं, समता ममता एकता के पैगाम बोलते हैं। आज इन्हीं तमाम रंगों को संजो कर हम आपसे पुनः मुखातिब हैं और जैसा कि आप सबको मालूम है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए इस कला उत्सव को यहां पर संयोजित करता है NCERT। आप सब जो विभिन्न राज्यों से, लगभग 36 राज्यों से भोपाल के इस परिसर में पधारे हैं, हम आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज इन क्षणों में हमारे बीच NCERT के निदेशक प्रोफेसर श्री HK सेनापति, संयुक्त निदेशक प्रोफेसर श्री राजेश खंबावत, संयुक्त निदेशक प्रोफेसर श्री अमरेंद्र बेहरा, NCERT की कला और सौंदर्य शास्त्र विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुश्री ज्योत्सना तिवारी, इस उत्सव के लाइजनिंग ऑफिसर डॉक्टर NC ओझा और हम सब जिनके संयोजन में यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री नित्यानंद प्रधान प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। हम इन सभी मानवों से निवेदन करते हैं कि इस मंच के दहरी पर रखे मंगल दीप को प्रज्वलित करें और इसी के साथ इस तीसरे कला उत्सव का विधिवत शुभारंभ करें। असो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी संस्कृति, और इसी के साथ हम हमारी संस्कृति के विभिन्न रंगों की कैसी रोशनी में अवगाहन करेंगे जिसने अमन एकता और आपसदारी का संदेश दिया है। ऐसा भारत जो विश्व का गुरु रहा है और उसके गुरुत्व का परिचायक है हमारी महान ज्ञान की परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी बहुलता, और इन तमाम चीजों को मिलाकर हम सब शताब्दियों की दूरियां पार करते हुए यहां आए हैं। आधुनिकता के आग्रहों ने बहुत चाहा कि हमारी संस्कृति का चेहरा गुमी हो जाए, लेकिन हमारी संस्कृति के उजले रंग हमेशा हमारी भारत की तस्वीर को ज्यों का त्यों बना देते हैं। हमें इस बात की हार्दिक खुशी है कि आप सब जो विभिन्न राज्यों से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं, इस कला उत्सव में आप सब अपनी अपनी कला परंपरा और सभ्यता का परिचय देते हुए अपनी प्रतिभागिता दर्ज करेंगे। 4 दिनों का यह उत्सव मंगल दीप प्रज्वलन के साथ ही इसकी भव्य शुरुआत, भव्य शुभारंभ।
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Lazina An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إكم كار ستنام كرتا پرخ نربھو نربیر اکال مورت اجونی سے بھم گرپرساد جب आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु बी thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and release us from temptations. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sangham saranam gacchami. Om namo arihantanam. Om namo siddhanam. Om namo ayaryanam. Om namo vijayanam. Namo loe sav sahunam. Namo loe sav sahunam. Sa ni sa.
अनंत बसु महारानी, मेरे कंठ बसु महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, जंग में बलिहारी। माँ सरस्वती वाग्देवी वीणा पाणी कलाओं की देवी का आह्वान, और इसी के साथ इस तीसरे राष्ट्रीय कला समागम का विधिवत शुभारंभ। प्यारे छात्र छात्राओं और सभी सम्मानीय अतिथियों, आप सब जानते ही हैं कि जिस सांस्कृतिक बहुलता को आत्मसात करते हुए हमारे भारत ने हजारों वर्षों का ये सफर पार किया है, हमें इस बात पर फक्र होता है कि नस्लें बदल गईं, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन आज भी हमारे अंतःकरण में हमारी कलाओं के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी इस बहुलता के प्रति बहुत गहरा मान है। और इसी मान को आज इस उत्सव के माध्यम से रेखांकित करने के लिए आप सबकी, छात्र छात्राओं की उल्लसित उमंगित उपस्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने यह उत्सव बंद किया है। हमें इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता और संतोष है, बल्कि फक्र है कि आप सब 36 राज्यों के कलाकार पूरे उत्साह और उमंग से भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहां पर एकत्र हैं। भारत का हृदय राज्य मध्य प्रदेश, जो अपनी तमाम सरहदों में चचलाती नदियों, शैल शिखरों से घिरा है, सदा नीरा नदियों ने यहाँ की संस्कृति को गढ़ा है। और दरअसल संस्कृति और नदी की जुगलबंदी के साथ एक मनुष्य की जो अविराम यात्रा है गति और गरिमा की, वह भी मध्य प्रदेश का अपना एक परिचय है। ऐसा मध्य प्रदेश आप सबका स्वागत करते हुए आज बहुत आनंदित महसूस कर रहा है। भोपाल एक ऐसा सांस्कृतिक शहर जिसने भारत को एक सौभाग्य का चिन्ह दिया, भारत भवन जो कि श्रेष्ठ कलाओं के प्रदर्शन का एक स्थान है, मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय, और न जाने ऐसे कितने स्मारक हैं, न जाने ऐसे कितने कला प्रतीक हैं, न जाने कितनी ऐसी संस्कृतियां जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब के साथ इस भोपाल में रची बसी हैं। ऐसा भोपाल आप सबका स्वागत करता है। हमारे सम्माननीय अतिथि आज अपनी शुभाकांक्षाएं व्यक्त करने के लिए हमारे बीच पूरी सदाशयता के ध्यान मौजूद हैं। मैं बहुत ही आदरपूर्वक उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे आदरणीय निदेशक महोदय NCERT नई दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, प्रोफेसर श्री HK सेनापति जी, संयुक्त निदेशक प्रोफेसर श्री राजेश कंबायत, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल। हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक CIET नई दिल्ली प्रोफेसर श्री अमरेंद्र बेहरा। हमारे साथ NCERT की कला और सौंदर्य शास्त्र विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुश्री ज्योत्सना तिवारी। हमारे इस उत्सव के लाइजनिंग ऑफिसर डॉक्टर NC ओझा और इस समारोह की मेजवान यानी कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य प्रोफेसर श्री नित्यानंद प्रधान। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा, ऐसे हमारे अध्यागतों का वंदन है। और ये कला उत्सव तीसरा पादान, आप सबको याद ही होगा कि पिछली दो सीढ़ियां हमने भारत की राजधानी नई दिल्ली के मंच पर पार की थी, और इस बार भारत का हृदय राज्य मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आप सब लोग 4 दिनों के अलग अलग सत्रों में अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से कला का प्रदर्शन करेंगे, और इस बात को एक बार पुनः रेखांकित करते हैं, इस बात की ताकीद करेंगे कि तमाम आधुनिक आग्रहों के बावजूद आपके भीतर अपना भारत धड़कता है, अपनी संस्कृति धड़कती है, आपका बहुत भीतर गहरे तक अपनी परंपराओं के प्रति मान है, सम्मान है। और ये सम्मान जब आपके भीतर आपके जीवन और व्यक्तित्व में समाता है तो आप एक अच्छे मनुष्य के रूप में भी अपना चेहरा गढ़ते हैं, अपनी पहचान गढ़ते हैं। मंच पर हमारे सभी अतिथियों का हम स्वागत करना चाहेंगे। आदरणीय प्रोफेसर HK सेनापति जी का स्वागत करेंगे, आदरणीय श्री राजेश खंबावत जी। मैं हमारे प्रतिनिधि से निवेदन करता हूं कि ये जीवंत पौधा खिलखिलाता सा आदरणीय सेनापति जी के हाथों में, प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा संयुक्त निदेशक हैं, हमारे बीच हाजिर हैं आदरणीय नेता प्रधान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य से हमारा निवेदन है, पौधा भेंट कर उनका अभिवादन करें। डॉक्टर NC ओझा से हमारा निवेदन है कि प्रोफेसर राजेश बी खंबावत जी का पौधा भेंट कर अभिवादन करें।
हमारी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की डॉक्टर चित्रा सिंह से हमारा निवेदन है, प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान जी का पौधा भेंट कर अभिवादन करें। हमें उम्मीद करते हैं कि यह पौधा आपके घर आपकी क्यारी में भी इसी तरह से लहराता रहेगा, खुशबू भी करता रहेगा। आदरणीय प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी के स्वागत के लिए हम प्रोफेसर रत्नमाला आर्य से निवेदन करते हैं, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की प्रोफेसर रत्नमाला आर्य। आदरणीय प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी जी का पौधा भी स्वागत कर रही हैं। डॉक्टर एन सी ओझा मंच पर विराजमान है, लाइजनिंग ऑफिसर कला उत्सव का। डॉक्टर कल्पना मस्की से हम गुजारिश करते हैं, उनका पुष्पों से फूलों से स्वागत करें। स्वागत की हमारी अपनी अपनी अभिव्यक्तियां हैं, शब्द स्वर रंग अभिनय दृश्य, ये तमाम मिलकर एक चेहरा गढ़ते हैं स्वागत का, भावनाओं का। प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा जी, नितिन प्रधान जी से गुजारिश है, उनका भी फूलों से स्वागत करें। सबसे पहले हमारे मन में, हमारे जहन में हमारे अतिथियों का नाम कौन देता है? स्वागत अभिवादन हो चुका है, एक बार पुनः ग्रहण करें सर। बहरहाल अब हम स्वागत गान की ओर पढ़ते हैं और हमारे ये छात्र छात्रा मंच पर आसीन हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं स्वागत गान करें। Let it go.
हृदय अंजुरी में सजाकर भावनाओं के कुसुम कोमल ले प्रसाधन नत हुए हम। स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत की हमारी अपनी शैली है, हमारी भावना है, और ये भावनाओं से छलछलाता हुआ कला उत्सव अपना शुभारंभ चरण और आज ही के साथ अपनी आगामी चार दिनों तक एक अलग रंगत, अलग खुशबू, अलग उत्साह के साथ सराबर होने का भीषण है। हमारे बीच जैसा कि हम देख रहे हैं NIE, RIE, PSSCIB और तमाम हमारे इन स्पर्धाओं के जूरी मेंबर हाजिर हैं, हमारे बीच विराजमान हैं, विभिन्न विधाओं के अपने पारखी हैं, विशेषज्ञ हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। लगातार चार दिनों तक विभिन्न सत्रों में हमारे साथ इन सब की उपस्थिति बनी रहेगी और इन सब की सरपरस्ती में आप अपनी विभिन्न विधाओं में कला का प्रदर्शन यहाँ पर इस मंच पर करेंगे। आदरणीय छात्र छात्राओं, हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों, ये एक ऐसा अवसर है हम सब के लिए, जबकि हम हमारे आने वाले वक्त के लिए अपनी कलाओं, परंपराओं, अपनी संस्कृतियों से जीवन के सार को संजोते हुए अपने भविष्य की राहें भी तय करना चाहते हैं। नया वर्ष हो चुका है, सन 2018 की दस्तक हो चुकी है और ऐसे भी याद आता है हमें नव गति, नवलय, ताल छंद, नव नवल कंठ, नव जलद मंत्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। नई आवाज, नई उमंग, नया उत्साह, और इसके साथ हम अपने जीवन की आगामी राहों को तय करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य पर हमारी निगाहें होती हैं और भविष्य को सुनहरे जमीन आसमान की ओर ले जाते हैं हमारे नई पीढ़ी के नुमाइंदे। आप सब इसी आशा के साथ, उमंग के साथ हमारे बीच हाजिर हैं और अवसर आपके लिए भी कि आप सब मार्गदर्शन प्राप्त करें, आप सब एक ऐसा प्रकाश प्राप्त करें जो आपको जीवन के अंधेरों को दूर तक ले जाने के लिए कहीं न कहीं सहायक भी साबित हो। हमारे बीच हमारे तमाम मौजूद मंचासीन अतिथि इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी शुभाकांक्षा के साथ यहाँ पर हाजिर हैं। हम इस क्रम में सबसे पहले आदरणीय प्रोफेसर एन प्रधान साहब, जो कि हमारे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वे पोडियम पर, इस डायस पर पधारें और आप सबका स्वागत करें। वे मेजबान हैं भोपाल में, उनके ही संयोजन में यह आयोजन एक बृहद उत्सव आकार ले रहा है। हमसे गुजारिश करते हैं वे स्वागत उद्बोधन देकर हम सबको अनुग्रहित करें। Esteemed chief guest of this inaugural function of Kala Utsav 2017, Professor K. Senapati, Director MCRT, my esteemed colleague, Professor Rajesh P. Khambat, Joint Director, PSSCIB, esteemed Professor Amarendra Behera, Joint Director, CIT New Delhi, my esteemed colleague, Madam Yosna Tiwari, Head Department of Education in Arts and Aesthetic, and Dr. N.C. Ojha, Liaison Officer, Kala Utsav 2017. My esteemed jury members from different parts of the country, my esteemed colleagues from RIE, PSCIB, and DM School, all the students and coordinators from 34 states and union territories of India. Here we have about 1,285 students from 34 states and union territories, that is except Lakshadweep and Punjab. And so I welcome all the participants from different states and union territories, my cadets, my colleagues from, friends from MHRD, from NI, from CIET, media, and my cadets, NCC cadets. So I welcome you to all
to this inaugural function of KALA UTSAV 2017 being organized on behalf of Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy. This KALA UTSAV, as you know, has as many purposes. As you all know, education has three roles to play in the context of culture. That is preservation of culture, promotion of culture, and transmission of culture. So similarly, it also plays a critical role in preservation of culture, preservation of art, promotion of art, and transmission of art. As you all know, India is a mosaic of culture and art forms. Here, the students from different parts of the country, they will showcase their different art forms, particularly performing and visual arts, which will facilitate not only fusion of culture, but also exchange of culture. As education plays an important role in the promotion of culture or transmission of culture and preservation of culture, similarly, our art and culture, they also promote education, for the promotion of education. You know, you will be happy to know that our Department of Education in Arts and Aesthetic, they are not only using, or that they are not only propagating different art forms for preservation or for promotion, but also as a pedagogic tool. It means that this art can be used as a tool for learning, for teaching-learning process. So the teachers, those who have come from different parts of the country and those who are promoting art in their schools, they should use art as a pedagogic tool, that is a tool for teaching-learning, that is promotion of learning, or as a tool for teaching-learning process. In any case, I welcome once again to all the dignitaries present over here, all the invitees, all my colleagues from different constituents of NCRT to this KALA UTSAV 2017, and also to all the organizing committee members, because to make this program, this KALA UTSAV 2017 a success, we have different organizing committees who have worked wholeheartedly since last many days, last, let us say, 2 months, very sincerely, systematically. And I also expect that if you have any lapses in the organization, because we wanted, as I said, to have this function, this Utsav Mahotsav rather, in a single campus, it became very difficult to make arrangement for all the participants. You must have felt some inconveniences. I think you bear with us. Anyway, I apologize if we have any lapses, but deliberately or directly or indirectly, I once again welcome all present over here in this hall. Thank you. धन्यवाद प्रोफेसर प्रधान साहब, प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, 36 राज्यों के कलाकार इस छोटे से आंगन में जब आपकी आमद हुई तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा सा भारत ही जैसे इस आंगन में सिमट आया हो। यह लघु भारत दरअसल एक ऐसे देश की संकल्पना को मूर्त करने का अवसर हम सबको दे रहा है, जब हम एक बार फिर संस्कृति की छाव में रहना चाहते हैं, उन कलाओं के पास जाना चाहते हैं जहां मनुष्यता का पैगाम है, समता, ममता और एकता को धारण करते हुए अपने जीवन की, भविष्य की राह तय करने का भी कहीं ना कहीं आह्वान है।
और ऐसा आह्वान जब इस कला उत्सव के माध्यम से होता है, मुखरित होता है, तो आप सबको इस आंगन में सिमटते देखकर हम सब निश्चित रूप से बहुत हर्ष और गर्व अनुभव करते हैं। ऐसा कला उत्सव आप सबके लिए रचते हुए निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी थी, उत्साह भी था। और ऐसा कला उत्सव यदि इस क्षेत्रीय संस्थान के परिसर में शामला पहाड़ी पर संजोया है तो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। हम इस उत्सव के लाइजिंग ऑफिसर डॉक्टर एन सी ओझा को आपसे आमंत्रित करते हैं। लगातार पिछले कई दिनों से इस उत्सव को रचने के लिए वे अपनी पूरी टीम के साथ संलग्न हैं। आदरणीय डॉक्टर एन सी ओझा आप सबके बीच। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, ऑनरेबल डायरेक्टर एन सी आर प्रोफेसर एच के सेनापति, जॉइंट डायरेक्टर सी आई टी प्रोफेसर रामेंद्र बेहरा, जॉइंट डायरेक्टर पी एस एस सी आई वी प्रोफेसर राजेश खंबायत जी, और प्रिंसिपल ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान, एंड द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस थर्ड कला उत्सव 2017 प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी मैडम। एट द आउटसेट आई वेलकम ऑल द डिग्निटरीज हु आर प्रेजेंट हियर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु अराइव्ड हियर फ्रॉम द 36 स्टेट्स एंड ऑल देयर कोऑर्डिनेटर्स। इंडिया इज ए ग्लोरियस कंट्री ऑफ ग्रैंड कल्चर। इट इज ए कंट्री विथ मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रीजन, मल्टी कास्ट, मल्टी क्रीड, एंड इट इज कॉन्फ्लुएंस स्पॉट ऑफ ऑल द रिलीजियंस एंड ऑल द कल्चर्स। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री टू मिंगल विथ ऑल द लैंग्वेजेस एंड ऑल द कल्चर्स। दिस कला उत्सव 2017 इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म नॉट ओनली टू द स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ अवर कंट्री बट ऑल्सो टू ऑल द पीपल सो दैट दे कैन लर्न अवर कल्चर एंड ऑल्सो नो ऑल अवर कल्चर्स, द डांसेस, द परफॉर्मिंग आर्ट्स, द विजुअल आर्ट्स एंड द म्यूजिक एटसेट्रा। इन दिस 2017 कला फेस्टिवल दिस इज माई शॉर्ट स्पीच, देयरफॉर आई कंक्लूड द भार्स ऑफ आवर फर्स्ट नोबेल लॉरेट गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर इन बेंगली, दैट इज देव आर नेव मिलिबो मिलाबो ना जाबो फिरे, यही महामिलन सागर तीर, यही महाभारत सागर तीर। थैंक यू ऑल। बहुत धन्यवाद डॉक्टर एन सी ओझा। इस उत्सव की परिकल्पना के साथ जैसा कि हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय ने भी आपको सूचित किया कि कला के माध्यम से भी हम जीवन की पाठ पढ़ सकते हैं, और जब कला के माध्यम को हम चुनते हैं तो आपके भीतर भी कहीं ना कहीं कला की हिलोर, कहीं ना कहीं सृजन के कुछ संस्कार होते हैं जो ईश्वर प्रदत्त होते हैं, और उनको पहचान कर उनके साथ जुड़कर क्या हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन की सुंदरता के पाठ पढ़ सकते हैं, क्या हम अपने जीवन के साथ जुड़कर मनुष्यता का कोई पैगाम ग्रहण कर सकते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर कला उत्सव की परख की गई, और लगातार ये तीसरा बरस है कि कला उत्सव के माध्यम से पूरे देश को लगभग एक ही आंगन में आमंत्रित कर समारोहित करने की परिकल्पना भी मूर्त हुई है। हमारे बीच एनसीईआरटी की कला और सौंदर्य शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी मौजूद हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि कला उत्सव की रूपरेखा और परिकल्पना से आप सबको अवगत करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एस्टीम्ड डायरेक्टर प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी, प्रोफेसर प्रधान प्रिंसिपल आरआई भोपाल, जॉइंट डायरेक्टर्स प्रोफेसर खंबायत एंड प्रोफेसर बेहरा, डॉक्टर ओझा जी, ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द ज्यूरी मेंबर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड द कलीग्स हियर एट आरआईई डीएम स्कूल एनसीईआरटी एंड द होल फैमिली CPSSCIV, on behalf of the department, on behalf of the council, and on behalf of the Ministry of HRD, Government of India, Delhi,
I welcome all of you, and this is the beginning of the third Kala Utsav being celebrated here in this city of Bhopal. Just to give a background, because some of the people who are here might not be so familiar or they know about Kala Utsav, why it had been conceived as a festival of arts. It's a celebration of arts. So many art forms are existing in the country, in different parts, different nooks and corners, which are related with so many rituals, so many celebrations. It's a part of our day-to-day life, and that should get an honorable position in our schools, in our society. That is why it had all been conceived some 3 years back. And we started it in 2015. This is an initiative of MHRD, and we have been given the responsibility to conduct it. In the last 2 years, it had been conducted in Delhi, and this time we moved to our own campus in Bhopal, so that more and more people get involved, and our fraternity in the NCRT, they also get involved, all of them, and work together. It's basically everything which is happening, it's a collaborative initiative, whether it starts in the form of Kala Utsav initiative at the school level in all the 36 states and union territories, which was actually initially there in 2015. In 2016, we added Kendri Vidyalay Sangathan schools and Navoday Vidyalay Samiti schools. So Jawahar Navoday Vidyalay and Kendri Vidyalay teams were also included in our participation. Around 1,300 students, teachers, their escorts are here in, for this occasion. And basically, this just to, not only to promote, but also there are so many art forms with which we are not familiar, the states are not familiar, children are not familiar, and some of the art forms, traditional art forms, are dying their natural deaths. To revive that, to sensitize our future citizens and the ambassadors of India's culture, the students who are present here, they will be showcasing all these art forms, their performances and exhibits here. In the first year, that was in 2015, Beti Bachao, Beti Padhao was the focus of all these traditional art forms which was performed or exhibited in Delhi. Last year, again, it was the India which were showcased by the states. And this year, the initiative of Ek Bharat Shrestha Bharat became the focus of this whole project, and especially the dance forms. So there are pairing states, and they all are performing the other states' dance forms. And they have worked very hard for the last few months. They were engaged, the states were engaged in this whole process. And it's not only, I would like to mention, especially here, that it's not only that they are going to showcase their performances or exhibits, but also they prepare online projects. And with that, they do the documentation part, going to the community, meeting the artists, learning art forms in their own states. And in dance this year, they had a research and documentation for the other states' art form, dance forms. So this is how they prepare, and then we have the guidelines which we issue, and then they accordingly send it in advance. So we already have all the 142 or 44 projects with us in all the art, four art forms, that is dance, music, theater, and visual arts and crafts. So in all the four categories, we get the online projects. And yesterday, actually, the jury, the literary of our jury, which comes here to actually, not, I won't say to judge, but to evaluate these performances, these projects, they already yesterday, evaluated the online projects, which has 30% of weightage of the whole projects. So that shows that how seriously they have prepared, and some of the projects are so well done that they have really gone in and talked to the community, learned the dances or learned the
other art forms. So this is the whole process by which the teams reach at the national level, starting from school level to the district level, and the best teams at the state level, they are sent here to compete at the national level. So this is the whole sort of project which is called KALA UTSAV. And on the last day, the best teams for second and third, whoever are awarded, the rank, they are awarded by some of our dignitaries here. And this is how it takes place. And it's not that only these three and for second, third in all the four art forms, the 12 teams are performing. All the teams who come here, the same enthusiasm is there, the same level of performance takes place. So this is how it is all visualized. And I once again thank all our faculty members here in Bhopal and Delhi, because even from Delhi, a big team of CIET, then MIT University, MHRD, and NCRT at Bhopal, we all are working together to make this event a successful. And I heartily thank you all for this, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्योत्सना तिवारी जी. जैसा कि उन्होंने आपको कहा, ये समग्रता का उत्सव है, सामुदायिकता का उत्सव है, समावेशिता का उत्सव है, एक ऐसी सांस्कृतिक साझेदारी का भी उत्सव है जो दरअसल एक साथ मिलकर एक ऐसी हमजुली के साथ एक दोस्ताना पैगाम भी देना चाहती है. कला उत्सव की अवधारणा पर, उसकी रूपरेखा पर बहुत ही विस्तार के साथ आदरणीय सुश्री तिवारी ने प्रकाश डाला. हमारे बीच आदरणीय श्री अमरेंद्र बेहरा उपस्थित हैं, संयुक्त निदेशक CIET नई दिल्ली से आए हैं. हम उनसे निवेदन करते हैं वे भी आपसे मुखातिब हों और अपनी भावनाएं आप सबसे साझा करें. श्री अमरेंद्र बेहरा. सबको नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ऑनरेबल डायरेक्टर NCERT प्रोफेसर सेनापति जी, esteemed colleague Professor Rajesh P. Khambayat ji, Joint Director Pandit Sundarlal Sarma Central Institute of Vocational Education Bhopal, esteemed Professor Nityanand Pradhan, Principal Regional Institute of Education Bhopal, Professor Joshna Tiwari ji, esteemed Head Department of Education in Arts and Aesthetics NCERT and the national coordinator of this program, my colleague Dr. Nitai Oja ji, liaisoning officer of KALA UTSAV 2017 at Bhopal, distinguished honorable jury members, distinguished colleagues from NCERT, delegates and participants from Ministry of Human Resource Development, MIT University, EDSIL and TSG members, esteemed teachers and coordinators of this National KALA UTSAV 2017, and young students, loving students and performers in different art forms for the KALA UTSAV. First of all, on my personal behalf and on behalf of NCERT and the Ministry of Human Resource Development, Government of India, I welcome all of you to this KALA UTSAV 2017 program. At the outset, I must say that India is necessarily a multilingual, multicultural, multi-ethnic country, and we have more than 5 distinct language families and more than 1,652 languages in our country, which is a resource for all of us because most of us are multilingual. Similarly, if we sketch the landscape of art and aesthetics of our country, we have a rich cultural heritage. Thousands, millions of art forms are there in our country, which plays as a bonding role and integrates the whole country. So maybe that must be the reason that Shrestha Bharat
is the theme of this particular Kala Utsav. But having saying that, I support the views of many of the dignitaries on the dais, including Professor Pradhan, when he said that Kala should also be the medium of teaching and learning process. When a teacher teaches mathematics, science, languages, social studies, Kala needs to be brought in. So maybe while talking about different art forms in our country, maybe I talk about Odissi, which is from my home state, maybe Bharatanatyam, maybe Kathak, maybe Bihu, maybe Gidha and Bhangra. So we do so different postures and different geometrical shapes may be learnt and taught through these art forms also, which could be linked in different classrooms. And also, while talking about different art forms, we need to prepare ourselves for a different purpose to effectively do that art form also. So in that case, having a good health and physical fitness is also need of the time. And if I want to become an artist in a particular art form, I need to practice that posture also very well and learn from Guruji very well and simultaneously keep myself fit. Indirectly, I'm saying for keeping fitness also, art, different art forms contributes a lot. So we need to use those art forms to keep ourselves fit as well. Now, it is the decade of media and technology. And if I also think that how many of us have smartphones in our pockets and purse, I don't think any student, any teacher, any coordinator, any faculty present here, any official and media person available here, so they will not be having a smartphone. But many a times, hum thoda kanjusi karte hain to promote our rich cultural heritage and art. This hall also, we have internet connectivity and free Wi-Fi facilities has been provided. So I request all the students, all the teachers, and all the officials to use social media to promote our rich cultural heritage. हम अपने सेल्फी जब ले रहे हैं एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के साथ या 2 मिनट वीडियो अगर हमने रिकॉर्ड किया है मध्य प्रदेश या उड़ीसा के टीम का तो उसको सोशल नेटवर्किंग में शेयर करें और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कला उत्सव एनसीईआरटी को उसमें टैग करें सो दैट होल वर्ल्ड सी डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स व्हिच आर परफॉर्म्ड हियर एंड वी कैरी टेक्नोलॉजी वी टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रमोट आर्ट. Many a times we behave ourselves like consumers. Ki NCERT agar koi art form mein content bana ke de denge, hum use karenge. Ya SCERT agar kuch bana ke de dega, hum use karenge. Ya CIET bana ke de dega, hum use karenge. Lekin every one of us can be a prosumer, can be creator, producer, designer of different art forms and storing these art forms and transmitting these art forms to the whole world, using social media, national media, and other mediums. So I invite all of you to join together and make this event a successful one. And I thank the Ministry of Human Resource Development, Government of India, for taking up this initiative to integrate the whole country and provide ample opportunity to our younger generation. 2/3 of our population, 66% are youth. And if skill training needs to be taken and the vision of our Prime Minister, skill, scale and speed to be taken together, we need to bank upon all the experts, jury members and Guruji available all over India in different art forms and take this art form to the whole world. So I invite all of you to make this event a successful one. Thank you very much. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव और बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के साथ आपने उद्बोधन सुना. टेक्नोलॉजी हमारे सामने है और उसका हम कैसा
कलाओं को दृष्टिगत रखते हुए रचनात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पंख पसार सकते हैं। आप सब नई पीढ़ी यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हैं और टेक्नोलॉजी आपसे दूर नहीं है। लगभग पूरे 24 घंटे का वक्त आपके साथ इस टेक्नोलॉजी के साथ अवस्था है, लेकिन इसे बहुत ठीक अर्थों में सृजनात्मक ढंग से इस्तेमाल करने की दरकार भी इस कला उत्सव के माध्यम से बनती है। हम आपके महत्वपूर्ण सुझावों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच आदरणीय श्री राजेश खंबायत जी मौजूद हैं, संयुक्त निदेशक पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन देकर हमारे छात्र छात्राओं को लाभान्वित करें। आदरणीय श्री राजेश खंबायत जी। निदेशक डॉक्टर सेनापति सर, एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, मेरे कलीग डॉक्टर बेहरा, जॉइंट डायरेक्टर सीआईटी न्यू दिल्ली, आदरणीय डॉक्टर प्रधान सर, प्रिंसिपल आरआई एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, मेरे कलीग डॉक्टर ओझा, आदरणीय जूरी मेंबर्स, सम्मानीय अतिथि, हमारे फैकल्टी कलीग्स जो पीएसएससीआईवी एनसीईआरटी पर डेमोंस्ट्रेशन स्कूल से सीआईवी से एमएचआरडी के तमाम उच्च अधिकारी सभागृह में उपस्थित तमाम वो सब शिक्षक, हमारे युवा जो आज देश भर से यहाँ पर उपस्थित हैं, भारत का दिल मध्य प्रदेश, भारत का दिल मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और कला उत्सव के माध्यम से आपसे रूबरू होने का और अपनी बात कहने का एक मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर सेनापति सर, हमारे निदेशक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अवसर एनसीईआरटी भोपाल परिवार को दिया है। हम विश्व में किसी भी व्यक्ति से अगर मिलते हैं और हर एक की अभिलाषा होती है कि एक बार जिंदगी में भारत दर्शन जरूर करें, और मुझे लगता है कि भारत दर्शन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो भारत दर्शन सब यहाँ हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आज हमारे सामने एक मिनी भारत इस हॉल में एकत्रित करने के लिए एमएचआरडी और एनसीईआरटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम सबको एक भारत से जो असली भारत है उसको हम सबको अवगत कराया जा रहा है। हम सब जानते हैं पालक होने के नाते, शिक्षक होने, हम अलग अलग रूपों में काम करते हैं और कला एक ऐसा माध्यम है जिसे हम सभी, किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास अगर हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कला एक ऐसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग हर व्यक्ति को विकसित करने में उसकी एक सहायक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आज भारत विश्व के 8 लार्जेस्ट इकोनॉमी में इन्वॉल्व होता है और जिस तरीके से हम लोग दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग पहले 5 में भी हमारा स्थान बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन जब विश्व की धरोहर की बात करते हैं, हम परंपराओं की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, ट्रेडिशंस की बात करते हैं, मुझे लगता है कि भारत के अलावा और कोई देश नहीं होगा विश्व में जो और ये जो लेगेसी है हमारी, ये कोई आज की नहीं है, कई जनरेशंस से जो है ये लेगेसी भारत माता ने रखी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर भारत की अगर कोई अपनी पहचान होगी तो वो पहचान केवल हमारी कल्चरल हेरिटेज से होगी। इसकी वजह से जो है भारत एक अपनी एक नई भूमिका में आ गया। विश्व में अगर कोई उम्मीद की किरण के तौर पे अगर देखा जाए तो भारत का नाम पहले आता है। अगर हम एस्पिरेशंस की बात करते हैं, भारत का पहला नाम आता है। लेकिन मैं उससे एक कदम और आगे जाऊंगा, अगर इंस्पिरेशंस की अगर हम बात करेंगे, फिर भी भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां से लोग इंस्पिरेशंस लेते हैं।
हम सब जानते हैं एक बहुत जानी पहचानी व्यक्ति एप्पल के जो फाउंडर सीईओ थे स्टीव जॉब्स, एप्पल हम सब जानते हैं आईफोन आईपैड वगैरह, और उसके जो जो इंस्पिरेशन उन्होंने लिए है, और वो कोई देश नहीं था, वो हमारा भारत देश ही था। आज भारत के इतिहास में हम ऐसे दौर में आ गए हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, और ये जो हमारा थीम है इस कला उत्सव की, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये तभी साकार होगा जब हम कला के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से इसको रियलाइज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कला उत्सव का एक बहुत बड़ा योगदान होगा आने वाले दिनों में, जिसमें हम वाकई एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका हमारा कला उत्सव कर सकेगा। अब क्योंकि मैं पंडित सुंदरलाल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन से आता हूं, 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी से बहुत अलग है। वोकेशनल एजुकेशन, कौशल विकास के ऊपर अक्सर बातें हम सुनते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अक्सर बात करते हैं, कौशल के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हम लोग तैयारी इस कला उत्सव के माध्यम से कर रहे थे, और पिछले कुछ दिनों से जब मैं देख रहा हूँ अलग अलग प्रांतों से विद्यार्थी आए, यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कला का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर वो कला में कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन का रोल है, भले फ्रंट में हो या बैक में हो, लेकिन कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन है। आने वाले दिनों में वोकेशनल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हमारे भारत निर्माण में, और मुझे लगता है कि वोकेशनल एजुकेशन को भी एक नया आयाम देने की आवश्यकता है, और उसमें अगर हम कला के साथ उसका अगर सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इन युवाओं में हमारे वोकेशनल एजुकेशन के प्रति, कला के प्रति हम बहुत सारा उनका रुझान बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको एक संयुक्तिक प्रयास करना होगा कि जो नई पीढ़ी है, जो आज सोशल मीडिया के साथ मोबाइल के साथ जुड़ी हुई है, उनको इन्हीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अवगत कराएं कि भारत का कितना विकसित एक समय रहा है और एक लेगेसी रही है, और मुझे लगता है कि हम सब संयुक्तिक प्रयास करें ताकि हम लोग जो है एक सार्थक भूमिका करें, और इन सब युवाओं को हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ जुड़े, ताकि हम एक अच्छा भारत निर्माण कर सकेंगे। आशा करता हूं कि हम सब जब तक भोपाल में रहेंगे, आप सबको वो सब यादें आप साथ में ले जाएं, वो खुशनुमा पल यहां आप बिताएं, और जो हमेशा आपको यादगार कर रहा है कि हम भोपाल में आए थे और ये एक श्रेष्ठ और सबसे बेस्ट कला उत्सव हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इन युवाओं के लिए मैं चाहूंगा तालियां बजाया जाए, उनका पैशन, उनका पैशन और कमिटमेंट देख के वो दिल में एक उमंग जगी है कि यस, ये वो पीढ़ी है जो हमारे भारत के निर्माण में एक बहुत अच्छा काम करेगी और हम सब के लिए गौरवान्वित करेगी आने वाले दिनों में। आशा करता हूँ कि हमारा कला उत्सव की जो गति है दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाए, और लॉन्ग लिव कला उत्सव। थैंक यू वंस अगेन। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत की श्रेष्ठता इतिहास, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा और महान ज्ञान परंपरा से निकल कर आती है और उसे विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित करती है। ऐसे ही भारत के प्रति गर्व होना बहुत स्वाभाविक है, और आप सब जो कला के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता के पिछले पन्नों को पाँचते हुए आज यदि किसी सदी की इस दहरी पर अपने भीतर अपने भारत के प्रति गर्व से भरे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे सुनहरे भविष्य का परिचायक है। बहुत अच्छी बातें, आदर्श बातें हमारे सम्माननीय वक्ता ने अभिव्यक्त की। जब हम ऐसे समारोह परिकल्पित करते हैं, अवसर
कुछ महत्वपूर्ण सौगातों का भी होता है, कुछ स्मृतियों का भी होता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय संस्था शिक्षा संस्थान ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है। हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानित अतिथियों के हाथों हम उस शोध पत्र का लोकार्पण करें। हम प्रोफेसर निधि तिवारी, विभागाध्यक्ष DA MHRS और समन्वयक RI भोपाल से निवेदन करते हैं कि वे आएं और शोध पत्र जो इस अवसर पर शिक्षा के संस्कृति के विभिन्न आलेखों को संग्रहित कर प्रकाशित किया गया उसका लोकार्पण हेतु उसे प्रस्तुत करें। हमारे मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को लोकार्पण के लिए शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर निधि तिवारी। और इस शोध पत्र के बाद हम प्रोफेसर रत्नमाला आर्य, हमारी समन्वयक जन शिक्षा परियोजना की, उनसे भी निवेदन करते हुए आएँ और इस अवसर विशेष पर एक 2018 को केंद्रित करते हुए एक पिक्टोरियल कैलेंडर का भी प्रकाशन किया गया है, उसे भी लोकार्पण के लिए प्रस्तुत करें। इस वक्त क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा संपादित शोध पत्र का लोकार्पण हमारे मंचान सभी अतिथिगण संयुक्त रूप से कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, शिक्षा और संस्कृति के नए प्रयोगों और चिंतन पर केंद्रित आलेखों का ये संग्रह है और इसी के साथ एक कैलेंडर जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत अक्टूबर 2017 में एक महत्वपूर्ण गतिविधि का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिभागी बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए कविता, स्लोगन, पोस्टर, नृत्य और नाटकों का मंचन भी इसे आयोजित किया था। पॉपुलेशन एजुकेशन सेल भोपाल ने आदरणीय प्रोफेसर रत्नमाला आर्य लोकार्पण के लिए कैलेंडर की प्रतियां हमारे अतिथियों को सौंप रही हैं और लोकार्पण इस 2018 की तारीखों और महीनों को सिलसिलेवार प्रस्तुत करता है। इन चित्रों को संजोता, इन तमाम गतिविधियों को संजोता जो जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत एक गतिविधि के रूप में यहां पर आयोजित की गई थी। इस लोकार्पण के बाद अब एक महत्वपूर्ण उद्बोधन हम सबके बीच आदरणीय प्रोफेसर एच के सेनापति जी उपस्थित हैं। आप सब जानते ही हैं NCERT के निदेशक हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व के साथ इस देश के लिए शिक्षा कला को लेकर प्रकल्पों सौगात देते रहे हैं। हम आदरणीय प्रोफेसर एच के सेनापति से गुजारिश करते हैं आप सबसे मुखातिब हों और अपना महत्वपूर्ण संदेश आप सब तक पहुंचाएं। प्रोफेसर एच के सेनापति। नमस्कार। एस्टीम जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर खंबायत, जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर बेहरा, प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रधान, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी, डॉक्टर NC ओझा, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ जूरी, माय एस्टीम कलीग्स फ्रॉम PSS CIB, NI and my colleagues from MHRD, my dear students and teachers who have come from different part of the country, media persons, invited guests, other dignitaries, I am really very happy to be here. It gives me immense pleasure that we are organizing KALA UTSAV 17 here in our Bhopal campus. First of all, at the outset,
I would like to congratulate the children who have come to this national level after participating in state level, district level, block level, etc. This is really a great who have come from different unity, different language, culture, different with diversity, different tribal and value system. Different belief will realize in spite of variation. We all are Indians and we know our ancient culture is very rich and we believe in Vasudeva Kutumbakam. We believe in Sarve Bhavantu Sukhin. Our culture is really rich. We want our rich culture, our rich tradition, our rich value system should be transmitted to the next generation. It should be handed over to the next generation. We should preserve it, we should promote it, and we should try to disseminate it with our children so that we can strengthen national integration and we can make our country the developed country and we can take our country to a new height. I think all of you are familiar with MHRD. We have 8 constituents units all over the country. In Bhopal, we have 2 constituents units, Regional Institute of Education, Bhopal, and Central Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education. Similarly, in Delhi, we have the headquarter and this National Institute of Education and Central Institute of Educational Technology. And we have Regional Institutes of Education in Bhubaneswar, Mysore, Ajmer, and Shillong. And all these constitute NCERT. We have 4 mandates, major mandates, that I would like to present before you. Our first mandate is research. We conduct research to improve the quality of school education, because all of us know NCERT is the apex body on school education under MHRD. We develop different types of materials, including textbooks. We conduct different types of training program for the teachers, teacher educators, and also pre-service teacher education programs. And our 4th mandate is conduct different extension activities. This is one of the extension activities what we are conducting here. That is KALA UTSAV. You know, in the month of June, we complete Yoga Olympiad. Recently, we completed role play competition where children from different part of the country participated. And in December, we also completed National Science Exhibition that was also held here in Bhopal. Why I want to highlight? I want to highlight because we want to go beyond textbooks. We want to go beyond curriculum. We want our children to develop their innate potentialities, what they have inherited from their parents and ancestors. There is need of conducting different extension activities. It may be yoga, it may be KALA UTSAV, it may be science exhibition, it may be role play competition. We are conducting deliberately just to help our children to go beyond the textbook.
just to develop their innate potentialities. We want they should develop balanced personality. They should not be confined to only the textbook, only to the examination, only to the classroom. NCERT has greater responsibility. We are responsible for the education of our children. We should provide the right type of education. By conducting this KALA UTSAV, at least we can identify the talents, identify the children who are having the talents in art, music, dance, theater, and other areas of art. If you look into the education system, if you look at the school system, you will see it is not going to help us to achieve the goal in true sense of the term. We want right type of education. If we limit ourselves to the classroom, to the examination, we cannot provide right type of education. We have to go beyond that. You see, now we are talking of skills. Our Honorable Prime Minister is putting a lot of emphasis on skill development. That is required because India is going to be the youngest country in the world. And we are going to have the largest youth. And we have to provide them right type of skills. We have to develop right type of attitude. We have to develop the right type of knowledge so that they can be good citizens of this country. What do you think of that one area? If you see, if you critically examine, one area is totally neglected in our school system. That is the aesthetic sensibility. Aesthetic sensibility is totally neglected. This is an attempt, the initiative what we have taken. The government of India has taken this initiative. And NCERT is trying to implement this, that at least by organizing such activities, such programs, we can develop aesthetic sensibility among the children, among the teachers, among the parents. If we can develop this sensibility, people will realize that only examination is not going to solve all the problem, because our children are going to be the citizens of this country. We need good human beings. Not that we need only good doctors, good engineers, good administrators. We need good human beings. Without developing aesthetic sensibility, we cannot develop good human being. And to develop good human being, we need this. And that is why we have to put a lot of emphasis in the development of this aesthetic sensibility. And this KALA UTSAV definitely will help us to achieve our goal. It will help us to identify the talents among the children. It will create sensibility. It will create awareness among the parents and teachers. It will also help us to bring about change in the traditional teaching learning process. That is more important. We want our children should be creative. We want they should develop their problem solving ability. And how they will be creative, how they will develop their problem solving ability if they will not enjoy learning. We can help our children to enjoy their learning by integrating arts and aesthetic in our teaching learning process. It may be visual art, it may be music, it may be theater, it may be dance. All these can be integrated into our education system. And by integrating these,